भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दो। नास्तिक हूँ। तो भैया आपका जोड़ा बना रहेगा भैया। भाग गई। भाग गई कहाँ? भाग गई गाली देकर, बोल रही आज के बाद मिलना मैं उससे। अरे भैया तो आपके पिताजी का कारोबार बढ़ेगा, तरक्की होगी भैया, दे दो। जेल में है पिताजी, खून के इल्जाम में। अरे भैया तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी तरक्की होगी भैया, कुछ तो दे दो भैया। खून मैंने ही किया था, इल्जाम उन्होंने लिया है सर पे। सुनो भाई 100 रुपए लो, ठीक है, तो चले जाओ भाई यहाँ से, सर फट रहा है मेरा। हम जनगणना के लिए यहाँ आए हैं। इस गांव में तुम ही एक पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए एक काम तुम्हें सौंपते हैं। काम का होगा? हर घर की औरत से पूछना कि घर पे लोग कितने हैं, शादी हुई कि नहीं, बच्चे कितने हैं, इन सवालों के जवाब घर नंबर के साथ लिखकर मुझे देना है, बस। ठीक है। का है? हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं, आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। अरे बेवकूफ, बच्चे कितने है पहले पूछना था ना। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6 है। आपकी शादी हुई है? बेशरम साहब, जब कोई सूट कैसा है दुरिया? मैंने नसर से तुझे छू लिया, कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बात बिन मांगे जा पा लिया, तू ही दिल की रानम तू ही जन्नत। शिवानी मेरे प्यार का अपमान मत करो, कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। नहीं शिवानी, कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हरामजादे तड़प तड़प के मरेगा तू। शिवानी, कह दो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। चला जा इधर से हरामजादे। पागल होते हैं वो लोग जो कहते हैं धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। चलो मान ली तुम्हारी बात, कान होते हैं पर जुबान थोड़ी रे। अगर सुन भी ली तो बोलेगी कैसे? ए? कहीं यार तुम भी इतना दिन से डर डर के रह रहा था, अब खूब बात करो जोर जोर से, अगर दीवार सुन भी लेगी तो बोल नहीं पाए। ये क्या है? आइए देखते हैं मजा। हमें तो लूट लिया मिलके, अबे तुझे क्या पता है, कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। इसका मतलब पता है? मतलब नहीं पता है, लेकिन कई लोगों को बोलते सुना है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बता इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आदमी अपनी पत्नी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है, हाँ, उसे फिर खुदा ही बचा सकता है।